नमस्कार साथियों, IC38 ऑनलाइन क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विनीत नवर, IC38 एम इंश्योरेंस ट्रेनर, आज आपकी भारी डिमांड पर लाया हूं IC38 जनरल इंश्योरेंस एग्जाम के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने चैनल IC38 ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, जिससे IC38 एग्जाम्स और इंश्योरेंस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने से पहले आइए आपको आपके एग्जाम बारे कुछ जानकारियां बताते हैं। आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना है, जो कि भारतीय बीमा संस्थान द्वारा NSEI सेंटर्स पर लिया जाएगा। साथियों, आपके एग्जाम में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात 50 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सभी एक एक नंबर के होंगे, यानी आपका एग्जाम 50 नंबर का होगा और एग्जाम पास करने के लिए आपको कम से कम 17 नंबर लाने होंगे। इन 50 प्रश्नों का उत्तर करने के लिए आपको 60 मिनट यानी एक घंटे का समय दिया जाएगा। महत्वपूर्ण, IC38 ऑनलाइन एग्जाम में किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात आप सभी प्रश्नों का उत्तर दें, कोई प्रश्न अनुत्तीर्ण ना छोड़ें। प्रिय IC38 जनरल इंश्योरेंस एग्जाम अभ्यर्थियों, आपके सिलेबस में कुल 16 चैप्टर हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कॉमन चैप्टर्स, इसमें 5 चैप्टर्स हैं। इस भाग में से लगभग 12 से 15 प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। दूसरा भाग स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है और इस भाग में से लगभग 12 से 15 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और तीसरा भाग गैर जीवन से संबंधित है और इस भाग में से लगभग 20 से 25 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए साथियों, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हैं और याद करते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी बीमा कंपनी कौन सी है जो अभी भी काम कर रही है? विकल्प ए ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, विकल्प बी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, विकल्प सी बॉम्बे म्यूचुअल अश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, विकल्प डी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। साथियों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक गैर जीवन बीमा कंपनी है और 1906 में स्थापित हुई थी, भारत की सबसे पुरानी कंपनी है जो आज भी कार्यरत है। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प बी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। प्रश्न, भारत में खालिस्तान बीमा अनिवार्य है? विकल्प ए मोटर तीसरे पक्ष देनदारी, विकल्प बी घरों के लिए अग्नि बीमा, विकल्प सी यात्रा बीमा, विकल्प डी व्यक्तिगत दुर्घटना। साथियों, भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत तृतीय पक्ष बीमा अनिवार्य है, तो यहां सही विकल्प है विकल्प ए मोटर तीसरे पक्ष देनदारी। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बीमा शिकायत सूचना का एक केंद्रीय भंडार है? विकल्प ए राष्ट्रीय आयोग, विकल्प बी लोकपाल, विकल्प सी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, विकल्प डी राज्य आयोग। साथियों, एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, जो कि IRDAI द्वारा ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र है, बीमा शिकायत सूचना का एक केंद्रीय भंडार है। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प सी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली। प्रश्न, राज्य आयोग माल या सेवाओं और मुआवजे की शिकायतों पर विचार करता है, यदि कोई दावा दायर किया गया है तो खालिस्तान से खालिस्तान राशि के बीच है। विकल्प ए 0 रुपए से 1 करोड़ रुपए, विकल्प बी रुपए 10 लाख रुपए से 1 करोड़, विकल्प सी रुपए 20 लाख से रुपए 1 करोड़, विकल्प डी रुपए 30 लाख से रुपए 1 करोड़। साथियों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ताओं के शिकायत निवारण हेतु 3 स्तर दिए गए हैं, जिसमें जिला फोरम जो कि 20 लाख तक की शिकायतें लेता है, राज्य आयोग 20 लाख से 1 करोड़ और राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से ऊपर। तो यहाँ इस प्रश्न में राज्य आयोग से संबंधित राशि पूछी गई है, तो सही उत्तर है विकल्प सी रुपए 20 लाख से रुपए 1 करोड़। प्रश्न, समग्र बीमा एजेंट के रूप में नियुक्ति पाने वाले आवेदक किस रूप में आवेदन प्रस्तुत करेंगे? विकल्प ए IC, विकल्प बी IA, विकल्प सी IB, विकल्प डी ID। साथियों, समग्र या संयुक्त अभिकर्ता वह होता है जिसके पास
जीवन बीमा और सामान्य बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करने का लाइसेंस होता है और उसे समग्र अभिकर्ता लाइसेंस प्राप्त करने के लिए IB फॉर्म भरना होता है। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प सी IB। साथियों, अपने IC38 जनरल इंश्योरेंस एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में पास करने के लिए आप हमारा ऑनलाइन कैप्सूल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9467670002 पर संपर्क करें। साथियों, आपके IC38 जनरल इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी हेतु सशक्त व प्रभावी स्टडी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, जिसको आप 9467670002 पर व्हाट्सएप कर ऑर्डर कर सकते हैं। प्रश्न: समग्र बीमा एजेंट है विकल्प ए, एक से अधिक गैर जीवन बीमा कंपनी के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने का लाइसेंस रखता है विकल्प बी, जिसके पास जीवन बीमा कंपनी और सामान्य बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करने का लाइसेंस है विकल्प सी, एक से अधिक जीवन बीमा कंपनी के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने का लाइसेंस रखता है विकल्प डी, पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने का लाइसेंस जिसके पास है। साथियों, जो एजेंट एक जीवन बीमा या एक गैर जीवन बीमा कंपनी का लाइसेंस रखता है उसे एकल या व्यक्तिगत एजेंट कहा जाता है और जो एक जीवन बीमा कंपनी और एक सामान्य बीमा कंपनी यानी दोनों का लाइसेंस रखता है उसे समग्र या संयुक्त अभिकर्ता कहा जाता है। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प बी। प्रश्न: क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है विकल्प ए जीवन बीमा, विकल्प बी सामान्य बीमा, विकल्प सी जीवन बीमा और सामान्य बीमा, विकल्प डी न तो जीवन बीमा और न ही सामान्य बीमा। साथियों, क्षतिपूर्ति यानी नुकसान की भरपाई और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहता है कि बीमा पॉलिसी से पॉलिसी धारक को उतने ही नुकसान की भरपाई की जा सकती है जितना नुकसान हुआ है, उससे अधिक नहीं, यानी बीमा पॉलिसी से लाभ नहीं कमाया जा सकता। तो यह सिद्धांत सामान्य बीमा में लागू होता है। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प बी सामान्य बीमा। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा जीवन बीमा अनुबंधों के बारे में सही है विकल्प ए, वे मौखिक अनुबंध है जो कानूनी रूप से लागू नहीं होते, विकल्प बी, वे मौखिक हैं जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं, विकल्प सी, वे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की आवश्यकताओं के अनुसार दो पार्टियों बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच अनुबंध है, विकल्प डी, वे दाव अनुबंधों के समान है। साथियों, बीमा एक अनुबंध है जो बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच होता है और यह अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प सी, वे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की आवश्यकताओं के अनुसार दो पार्टियों बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच अनुबंध है। प्रश्न: इस परिदृश्य में दिखाए गए बीमा के रूप की पहचान करें। परिदृश्य: स्वास्थ्य प्रदाता को पैसा भुगतान करता है और बाद में स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है, विकल्प ए प्रत्यक्ष अनुबंध, विकल्प बी क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति, विकल्प सी सेवा लाभ, विकल्प डी दुर्घटना। साथियों, स्वास्थ्य बीमा में प्रतिपूर्ति दावा वह दावा होता है जिसमें बीमा धारक अपने सभी भुगतान पूर्व में ही करता है और बाद में क्लेम फार्म के साथ अपने सभी भुगतान बीमाकर्ता के पास जमा करवाता है और बीमाकर्ता द्वारा 30 दिन में प्रतिपूर्ति दावे का निपटारा किया जाता है। तो यह परिदृश्य प्रतिपूर्ति दावा से संबंधित है। तो सही विकल्प है विकल्प बी क्षतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति। प्रश्न: हालांकि यह बीमाकर्ता से बीमाकर्ता के लिए भिन्न होता है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा दावे में सामान्य पूर्व अस्पताल में भर्ती होने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद का कवर क्या है, विकल्प ए 15-30, विकल्प बी 30-30, विकल्प सी 30-60, विकल्प डी 45-90। साथियों, आमतौर पर बीमा कंपनियां हस्पतालीकरण पूर्व 30 दिन और हस्पतालीकरण पश्चात 60 दिन के भुगतान को कवर करती है। तो यहां सही विकल्प है विकल्प सी 30 और 60। प्रश्न: TPA को विस्तारित करें। विकल्प ए तृतीय पक्ष समनुदेशिति, विकल्प बी तीसरा भुगतान व्यवस्थापक, विकल्प सी तीसरा अदाता समनुदेशक, विकल्प डी तृतीय पक्ष प्रबंधक।
साथियों, टीपीए का विस्तारित रूप है तृतीय पक्ष प्रबंधक, तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प डी। प्रश्न, गंभीर बीमारी पॉलिसियों में खालिस्तान दिनों की प्रतीक्षा अवधि होती है, विकल्प ए 30 दिन, विकल्प बी 60 दिन, विकल्प सी 90 दिन, विकल्प डी 120 दिन। साथियों, बीमाकर्ता द्वारा गंभीर बीमारियों के लिए 90 दिन की प्रतीक्षा अवधि रखी जाती है, यानी पॉलिसी शुरू होने के 90 दिन के भीतर अगर गंभीर बीमारी डायग्नोज होती है तो बीमाकर्ता द्वारा दावा का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प सी 90 दिन। साथियों, आपके IC38 जनरल इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी हेतु सशक्त व प्रभावी स्टडी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, जिसको आप 9467670002 पर व्हाट्सएप कर ऑर्डर कर सकते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डे केयर प्रक्रियाओं का उदाहरण है? पहला नेत्र शल्य चिकित्सा, दूसरा कीमोथेरेपी, तीसरा डायलिसिस। विकल्प ए केवल पहला, विकल्प बी केवल दूसरा, विकल्प सी केवल दूसरा और तीसरा, विकल्प डी पहला दूसरा और तीसरा। साथियों, डे केयर प्रक्रियाएं यानी दिन देखभाल प्रक्रियाएं ऐसे इलाज हैं जिसमें 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे इलाज भी बीमाकर्ता द्वारा कवर किए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे कीमोथेरेपी, डायलिसिस या नेत्र शल्य चिकित्सा आदि। तो यहाँ सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न, निम्न में से कौन सा समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए पात्र नहीं होगा? विकल्प ए एक कंपनी के कर्मचारी, विकल्प बी किसी संगठन के क्रेडिट कार्ड धारक, विकल्प सी पेशेवर सदस्य, विकल्प डी समूह स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से गठित असंबंधित व्यक्तियों का समूह। साथियों, समूह स्वास्थ्य बीमाकर्ता द्वारा कॉरपोरेट क्लाइंट्स को उनके कर्मचारियों और समूहों को कवर करने के लिए प्रदान किया जाता है, जिसमें ऐसा समूह जो असंबंधित व्यक्तियों से गठित हो को कवर नहीं किया जाता। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प डी समूह स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित असंबंधित व्यक्तियों का समूह। प्रश्न, प्रस्तावक से कहा जाता है कि वह उसके द्वारा पहले हुए सभी नुकसानों का पूरा विवरण घोषित करे, चाहे उनका बीमा किया गया हो या नहीं, जानकारी की आवश्यकता क्यों है? पहला, यह बीमाकर्ता को बीमा की विषय वस्तु के बारे में जानकारी देगा और बीमा धारक ने अतीत में जोखिम का प्रबंधन कैसे किया है। दूसरा, हामीदार ऐसे उत्तरों से जोखिम को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और जोखिम निरीक्षण करने या आगे के विवरण एकत्र करने का निर्णय ले सकते हैं। विकल्प ए केवल पहला, विकल्प बी केवल दूसरा, विकल्प सी पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, विकल्प डी मौजूदा जोखिम को हामीदारी करने में पहले के नुकसान की कोई भूमिका नहीं होती है। साथियों, पूर्व नुकसानों का पूरा विवरण बीमा धारक द्वारा अतीत में जोखिम प्रबंधन व हामीदार द्वारा जोखिम को बेहतर ढंग से समझने में सहायक होता है। तो यहाँ दोनों ही सत्य है। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प सी पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। प्रश्न, कवर नोट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए कवर नोट मुख्य रूप से जीवन बीमा में उपयोग किए जाते हैं, विकल्प बी कवर नोट मुख्य रूप से सामान्य बीमा के सभी वर्गों में उपयोग किए जाते हैं, विकल्प सी कवर नोट मुख्य रूप से स्वास्थ्य बीमा में उपयोग किए जाते हैं, विकल्प डी कवर नोट मुख्य रूप से सामान्य बीमा के समुद्री और मोटर वर्गों में उपयोग किए जाते हैं। साथियों, कवर नोट बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी जारी करने से पहले जारी किया गया बीमा का अस्थायी प्रमाण पत्र होता है, जिसे मुख्य रूप से सामान्य बीमा के समुद्री और मोटर वर्गों में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प डी। प्रश्न, निम्न में से किसे बैंकर क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर नहीं किया जा सकता? विकल्प ए आग के कारण परिसर के भीतर खोई या क्षतिग्रस्त धन प्रतिभूतियां, विकल्प बी जालसाजी या चेक में परिवर्तन, विकल्प सी पैसे के संदर्भ में कर्मचारियों की बेईमानी, विकल्प डी बाजार मुद्रास्फीति। साथियों, बैंकर क्षतिपूर्ति बीमा के अंतर्गत बहुत से विकल्प हैं जो कवर किए जाते हैं, जैसे कि पैसे के संदर्भ में कर्मचारियों की बेईमानी, डिस्पैचेस के दौरान चोरी या लूटपाट, आग के कारण नुकसान,
जालसाजी या चेक में परिवर्तन इत्यादि। पर कुछ विकल्प है जो कवर नहीं किए जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर फ्रॉड्स, फॉल्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कारण, युद्ध या आतंकवादी एक्टिविटी, बाजार मुद्रास्फीति इत्यादि। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प डी, बाजार मुद्रास्फीति। प्रश्न, प्रस्थापन के अधिकार के तहत बीमाकर्ता को खालिस्तान से भुगतान की गई हानि की वसूली की अनुमति है। विकल्प ए केवल शिपिंग कंपनियां, विकल्प बी केवल रेलवे और सड़क वाहक, विकल्प सी केवल एयरलाइंस और पोर्ट ट्रस्ट, विकल्प डी शिपिंग कंपनियां, रेलवे और रोड कैरियर और एयरलाइन और पोर्ट ट्रस्ट। साथियों, प्रस्थापन के अधिकार के तहत जब संपत्ति को हुए नुकसान के लिए बीमाकर्ता द्वारा भुगतान कर दिया जाता है तो संपत्ति का स्वामित्व अधिकार बीमाकर्ता के पास स्थानांतरित हो जाता है, यानी उस संपत्ति पर अधिकार बीमा कंपनी का हो जाता है, और यह शिपिंग कंपनियां, रेलवे और रोड कैरियर और एयरलाइन और पोर्ट ट्रस्ट इत्यादि सब पर लागू होता है। तो यहां सही विकल्प है विकल्प डी। प्रश्न, बीमा अधिनियम के अनुसार खालिस्तान के बराबर या उससे अधिक के दावों के लिए स्वतंत्र सर्वेक्षक की आवश्यकता होती है। विकल्प ए ₹40,000, विकल्प बी ₹15,000, विकल्प सी ₹20,000, विकल्प डी ₹25,000। साथियों, बीमा अधिनियम के तहत 20,000 या उससे अधिक के दावों के लिए स्वतंत्र सर्वेक्षक यानी सर्वेयर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प सी ₹20,000। प्रश्न, एक व्यापारी के पास एक से अधिक गोदामों में स्टॉक है, अगर वह स्टॉक का बीमा कराना चाहता है तो उसके लिए कौन सी पॉलिसी उपयुक्त है? विकल्प ए प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी, विकल्प बी फ्लोटर पॉलिसी, विकल्प सी घोषणा नीति, विकल्प डी सभी जोखिम नीति। साथियों, फायर फ्लोटर डिक्लेरेशन पॉलिसी के तहत एक से अधिक गोदामों में स्टॉक एक पॉलिसी के तहत कवर किया जा सकता है, तो यहाँ सबसे उपयुक्त पॉलिसी होगी फ्लोटर पॉलिसी। तो सही विकल्प है विकल्प बी फ्लोटर पॉलिसी। प्रश्न, क्लेम की राशि कितनी देय है यदि बीमित राशि ₹2,00,000, अतिरिक्त सीमा ₹20,000 और हानि ₹25,000 है? विकल्प ए ₹2,000, विकल्प बी ₹25,000, विकल्प सी ₹15,000, विकल्प डी ₹5,000। साथियों, अतिरिक्त या एक्सेस क्लोज के तहत संपत्ति मालिक एक न्यूनतम राशि स्वयं वहन करता है, वह बीमाकर्ता द्वारा शेष राशि का भुगतान किया जाता है। यहाँ हानि ₹25,000 है और अतिरिक्त सीमा ₹20,000, तो बीमाकर्ता द्वारा ₹5,000 राशि क्लेम के तहत दे होगी। तो सही विकल्प है विकल्प डी ₹5,000। साथियों, आपके IC38 जर्नल इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी हेतु सशक्त व प्रभावी स्टडी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है, जिसको आप 9467670002 पर व्हाट्सएप कर ऑर्डर कर सकते हैं। प्रश्न, बीमाकर्ता द्वारा दावों की अस्वीकृति सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के खालिस्तान दिनों की अवधि के भीतर बीमाधारक को सूचित की जाएगी। साथियों, बीमाकर्ता द्वारा दावों की अस्वीकृति सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर बीमाधारक को सूचित की जाती है। तो यहां सही विकल्प है विकल्प बी 30 दिन। प्रश्न, खालिस्तान के कानूनी नियम यह तय करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि नुकसान एक बीमित जोखिम या एक बहिष्कृत जोखिम के कारण हुआ है या नहीं। विकल्प ए हानि आंकलन, विकल्प बी हानि न्यूनकरण, विकल्प सी निकटतम कारण, विकल्प डी हानि संरक्षण। साथियों, आसन कारण या निकटतम कारण के कानूनी नियम यह तय करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि नुकसान एक बीमित जोखिम या एक बहिष्कृत जोखिम कारण हुआ है कि नहीं। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प सी निकटतम कारण। प्रश्न, सलाश्री महेश, संपत्ति बीमा के मामले में उस समय या समय पर जब बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए। विकल्प ए केवल पॉलिसी लेने के समय, विकल्प बी केवल दावा करने के समय, विकल्प सी पॉलिसी लेने के समय और दावा करने के समय, विकल्प डी संपत्ति बीमा के मामले में बीमा योग्य ब्याज की आवश्यकता नहीं है। साथियों, बीमा योग्य हित संपत्ति बीमा के मामले में पॉलिसी लेने के समय और दावा करने के समय दोनों समय मौजूद होना चाहिए। और याद रहे साथियों, जीवन बीमा में बीमा योग्य हित केवल पॉलिसी लेते समय व समुद्री बीमा में केवल दावे के समय। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प सी पॉलिसी लेने के समय और दावा करने के समय।
प्रश्न, यात्रा बीमा पॉलिसियों के मामले में देश के बाहर मूल्यांकन किए गए दावों का मूल्यांकन निम्न द्वारा किया जाता है। विकल्प ए, भारतीय सर्वेक्षक। विकल्प बी, नुकसान वाले देश में स्थानीय सर्वेक्षक। विकल्प सी, बीमाकर्ता के अपने कर्मचारी। विकल्प डी, पॉलिसी में नामित दावों का निपटान करने वाले एजेंट। साथियों, यात्रा बीमा के अंतर्गत देश के बाहर मूल्यांकन किए गए दावों का मूल्यांकन नुकसान वाले देश में स्थानीय सर्वेक्षक द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ सही विकल्प है विकल्प बी, नुकसान वाले देश में स्थानीय सर्वेक्षक। साथियों, आपसे जो निरंतर स्नेह और समर्थन प्राप्त हो रहा है उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। IC38 एग्जाम और इंश्योरेंस टॉपिक्स पर और अधिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।